नमस्कार दोस्तों, एनसीआर ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा जो ये ट्रैक्टर के अंदर पीछे 7 पिन कपलर लगा होता है, जो ये आप देख रहे हो, ये किस काम आता है और ये ट्रैक्टर के अंदर क्यों दिया जाता है। पहले आपने अक्सर देखने को मिलता है भाई ये ट्रक वगैरह के अंदर दिए जाते थे, अब ट्रैक्टर के अंदर भी ये आने लग गए हैं। काफ़ी किसान भाई हैं जो इसके बारे में भाई नॉलेज रखते हैं और काफ़ी किसान भाई हैं जिनको इसके बारे में भाई नॉलेज नहीं है। जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है उन भाइयों के लिए आज मैं बता दूं इसके बारे में, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। काफ़ी भाइयों के भाई मन में ये होता है कि इसे हम डायरेक्टली फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो दोस्तों आज ही फ़ोन भी चार्ज लगा कर देखेंगे और वहीं मैं इसकी वायरों के बारे में बात करूँगा कि इसके अंदर कितनी वायर हैं और किस वायर का क्या काम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर पहले चार्ज लगा कर देखते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज होगा या नहीं। तो देखिए हमने एक चार्जर ले लिया और इसके अंदर ये जो सामने 2 पिन है इन पिनों में हम चार्ज को लगा फ़ोन को सॉरी चार्जर लगा देते हैं और उसके बाद हम फ़ोन लेंगे और फ़ोन के अंदर USB केबल कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसका स्विच लगाते हैं ट्रैक्टर का, तो चलिए स्विच ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसका स्विच ऑन कर लिया है, आप सभी मीटर वगैरह देख रहे होंगे इंडिकेट करने लगे हैं मोबाइल चार्जिंग पर लगाया या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भाई कोई चार्जर कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर DC लाइट आती है, AC लाइट आती ही नहीं। और दोस्तों वहीं अगर मैं इसके भाई बात करूँ तो कंपनी इसको क्यों लगा कर देती है, क्योंकि दोस्तों हमारे भाई जो ट्रैक्टर गन्ने वगैरह या हैवी लोड पर चलते हैं जिनके भाई ट्रालियों में लाइटें वगैरह लगी होती हैं, तो उस काम के लिए भाई इस कपलर को दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस कपलर के आपको पूरा नाम बताता हूँ कि इस कपलर का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है 7 पिन ट्रैक्टर ट्रेलर। दोस्तों इसके अंदर वहीं भाई वायरों की बात करें तो इसके अंदर आपको 7 वायर देखने को मिलेंगे पीछे की तरफ, और साथ ही इसके अंदर आपको ये 7 पॉइंट हैं जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 4ों के अंदर तो होल बने हुए हैं और 3 के अंदर आपको नट दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर इसके भी फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले भाई इसके अंदर आती है पीली वायर नंबर 1 पर, और दोस्तों उसके बाद 2 नंबर पर आएगी नीली वायर, इसके बाद आता है 3 नंबर पर आएगी आपकी सफ़ेद वायर, 4 नंबर पर आएगी हरी वायर, 5 नंबर पर आएगी लाल वायर, और 6 नंबर पर आएगी गोरी वायर, और 7 नंबर पर आएगी काली वायर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी जो नंबर 1 पर पीली वायर आती है उसका काम बताऊँगा क्या है। आपको आपके ट्रैक्टर के जो भाई लाइट इंडिकेटर के स्विच है 1 नंबर पर कर देना है, और जैसे ही भाई आपके पीछे ट्रैक्टर की ट्राली होगी, ट्राली में लाइट वगैरह लगी होंगी, तो ये इंडिकेटर का काम करेगी जिससे कि हमारे ट्रैक्टर के इंडिकेटर जलते या बुझते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है 2 नंबर पर नीली वायर। नीली वायर होती है जो भाई हमारे ट्रैक्टर के अंदर फोग लाइट होती हैं उनकी होती है, जैसे कि हमें फोग लाइट वगैरह जलानी पड़ जाती है कई बार, उसके लिए होती है। इसके बाद आती है भाई सफ़ेद वायर जो कि इस साइड लगी होती है, स्पेड वायर होती है दोस्तों हमारी अर्थिंग वायर होती है जिससे कि हमारे ट्राली में जितनी भी लाइटें लगी हैं सभी के अंदर अर्थ पहुंच जाए। और उसके बाद आती है दोस्तों 4th वायर जो कि राइट साइड के हमारे इंडिकेटर होते हैं, आप उस साइड के इंडिकेटर ट्राली में भी जलाना चाहते हो तो उसके अंदर भाई ऐसे वायर लगा कर 7 के साथ इस तरह से आप इंडिकेटर चला सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आती है 5 नंबर पर वायर जो कि यहाँ पर लगेगी, 5 नंबर वायर हमारी होती है ब्रेक लाइट के लिए, जैसे ही आप ट्रैक्टर के ब्रेक लगाओगे उस टाइम ट्रैली में भाई एक साथ ही लाइट जलेंगी पीछे की तरफ दोनों। और दोस्तों उसके बाद आती है अभी 6 नंबर पर गोरी वायर जो कि राइट साइड हेडलाइट होती है दोस्तों, और 7वें नंबर पर आती है भाई हमारी काली वायर जो कि हमारे ट्रैक्टर के अंदर भाई लेफ्ट साइड की जो हेडलाइट होती है उसके लिए होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप इस स्विच को यूज़ में ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको
फिर भी वायरिंग समझ में नहीं आती है, तो आप एक तरीके से और इसकी वायरिंग समझ सकते हो। जैसे हमारे ट्रैक्टर के इंडिकेटर है, इस साइड ये इंडिकेटर है, आपको जो नीचे की तरफ इंडिकेटर वाले बल्ब में वायर लगी हुई है उसका आप कलर चेक कर लीजिए, और उस साइड पे जो ये कपलर आपको दिख रहा है इसके अंदर भी वही वायर आपको मिलेगी। जैसे आप हेडलाइट ऑन करोगे या ब्रेक लाइट जलाओगे, दोस्तों ट्रैक्टरों के हिसाब से थोड़ा बहुत तो वायरों के अंदर चेंज हो सकता है, तकरीबन तो भाई आपको सेम ही देखने को मिलेगा। या अगर थोड़ा बहुत चेंज मिले तो आप इस तरह से इंडिकेटर हो गए या हेडलाइट हो गए उनके कलर देखकर आप इसमें वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये ट्राली में लाइटें लगी होती है, ये लाइट होगी, ये लाइट होगी भाई, और जो इसकी पीछे की तरफ लाइट है, ये देखिए जो ये पीछे की तरफ लाइटें होती है ट्राली के अंदर, इनके यूज के लिए दोस्तों ये कपलर दिया होता है। अगर आप भी इस कपलर को खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में आपको जो ट्रक्स वगैरह की शॉप्स होती हैं उन पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। 1000 रुपये भाई इस कपलर की कॉस्ट रहती है। दोस्तों देखिए, ट्राली के अंदर ऐसे लाइटें लगकर एक वायर निकल जाती है, और ये वायर जैसे हम ट्रैक्टर और ट्राली के अंदर कनेक्ट करेंगे, और हमने तो दूसरा कपलर लगाया हुआ है दोस्तों इस साइड, वो उसका दूसरा आता है, आप इस तरह से उस कपलर के अंदर इस वायर को कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ में अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली सभी नई नई वीडियो आप तक पहुंच जाएं।